70,000 का सामान ये बोल रहे हैं 22,000 में दे देंगे। ये अब समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये तो खोलिए भैया, देखिए तो HP कंपनी का लैपटॉप है। HP कंपनी, क्या क्या लगा इसके अंदर है? HP का एलाइट बुक मॉडल है ये। HP का एलाइट बुक मॉडल है ये। कोर i7 16 GB रैम, 256 GB SSD में भी है और 512 GB SSD में भी है। ये आपको मिलने वाला है 22,500 रुपए का। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दशहरे का सीजन चल रहा है, मतलब फेस्टिव सीजन आ चुका है। बहुत सारे लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आप भी खरीदना चाहते हैं ना, तो पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए इसमें एक जगह हूँ पूरा, देखिए लैपटॉप का भंडार पड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना। इन सबको कहते हैं रिफर्बिश लैपटॉप। रिफर्बिश लैपटॉप मतलब कह सकते हैं ओल्ड लैपटॉप भी कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारी चीज़ बताऊंगा आपको मैं। पूरी वीडियो के लास्ट तक बने, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं, ये देखिए ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो मैं कह सकता हूँ प्रोप्राइटर, इन्हीं से बात करेंगे। भैया जी नमस्ते, कैसे आप हैं? नमस्ते सर, बहुत बढ़िया है। मेरा एक जोगिंदर ज्ञान नाम है और इसके ऊपर मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, पूरे घूम घूम के बताता रहता हूँ। आज का क्रेज पड़ा हुआ लोगों का, लोग आजकल रिफर्बिश लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। पहले बताया रिफर्बिश लैपटॉप क्या होता है सर? सर रिफर्बिश लैपटॉप लाइक इम्पोर्ट लैपटॉप होता है, ये सब इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट होकर के आता है। कुछ कंपनी में सर्वर के थ्रू चलाया गया लैपटॉप होता है, महीने एक महीने दो महीने चलाया हुआ होता है, बाकी फिर ये इंडिया इम्पोर्ट होकर आ जाता है, फिर सब रिफर्बिश में लैपटॉप सेल होता है। मतलब पुराना लैपटॉप समझो, एक तरह न्यू लाइक होता है, बिल्कुल ही मतलब यूज़ बिल्कुल नहीं किया हुआ होता है, बस सर्वर पे चला हुआ लैपटॉप होता है। और इन लैपटॉप में कुछ भी रिपेयर पार्ट नहीं होता, सब कुछ ओरिजिनल पार्ट होता है, पूरा का पूरा SSD रैम मदरबोर्ड हार्ड डिस्क। ये मेरे हाथ में जो लैपटॉप है ये मतलब इंपोर्टेड है, ये इंडिया का नहीं, बाहर से लैपटॉप आया हुआ है, बाहर से लैपटॉप आया हुआ है। इसको रिफर्बिश बोलते रहते हैं, रिफर्बिश बोलते रहते हैं। सस्ता होता है महंगा होता है? बहुत सस्ता होता है सर, एज कम्पेयर टू न्यू लैपटॉप के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता होता है। आप i7 लैपटॉप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको 70-80 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा। मेरे पास आपको केवल 22,000 रुपये मिल जाएगा। कोर i7 16 GB रैम, 512 GB SSD, 22,500 रुपये। 70,000 का सामान जो है मात्र 22,000 मिल जाएगा। ये वारंटी उसमें एक साल मिलता है, इसमें कितना मिलेगा? इस पे 3 महीने का आपको टोटल वारंटी मिलेगा, चार्जर पे 1 ईयर मिलेगा। मतलब जितनी वारंटी उसमें मिलती है उसमें एक साल मिलती है, इसमें 3 महीने वारंटी मिलेगी। ये इंपोर्टेड आइटम है ये। मतलब देखिए दोस्तों, 70,000 का सामान ये बोल रहे हैं 22,000 में दे देंगे। ये अब समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये खोलिए भैया, देखिए तो HP कंपनी का लैपटॉप है। HP कंपनी, क्या क्या लगा इसके अंदर है? HP का एलाइट बुक मॉडल है ये। HP का एलाइट बुक मॉडल है ये। 840G3, कोर i7, 16 GB रैम, 256 GB SSD में भी है और 512 GB SSD में भी है। दोनों में 7 का कौन सा जनरेशन है ये? 6th जनरेशन है ये। अच्छा। ये आपको मिलने वाला है 22,500 रुपए का। अच्छा, इसमें विंडोज लोडेड है पहले से? विंडोज 11 प्रो पड़ा हुआ है, एक्टिवेटेड है लाइफ टाइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री है इस पे ऑल टाइम के लिए। इसमें कुछ भी एक्टिवेट नहीं करना है, हर एक चीज बस आपको प्लग एंड प्ले करना है। कितना भारी है ये, उठाऊं एक बार? बहुत लाइट वेट है सर, बहुत। अच्छा, लाइट वेट है, एकदम हल्का एकदम है ये। और मतलब इसमें राइटर भी दिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अब राइटर वाला टाइम खत्म हो गया। अच्छा, राइटर नहीं आता इससे। मतलब 70,000 सामान अगर मिला, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं? मान लीजिए आप इसमें कोडिंग का काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, छोटा आपको गेमिंग वूमिंग करना है हल्का फुल्का गेमिंग भी कर सकते हैं। कोर i7 प्रोसेसर है, आप हैवी से हैवी टास्क वर्क कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा जी। जैसे नया लैपटॉप खरीदेंगे बैग मिलता है, इसके बैग मिलेगा सर? अब वो तो 200-300 रुपए का सामान है। नहीं नहीं सर, बैग तो ओरिजिनल साथ खरीदेंगे तो ओरिजिनल बैग मिलता है, बैग भी करवा देंगे। अगर आपके चैनल के थ्रू आएंगे तो आपको बैग भी करवा देंगे। भाई साहब ये कह रहे हैं अगर वीडियो देखकर आते हैं इनके पास में, एड्रेस बता दो, मैं रिपीट करिए आप है। तो ये कह रहे हैं इसके साथ बैग भी देंगे। पिट्ठू बैग देंगे, कौन सा बैग देंगे? पिट्ठू वाला ही बैग देंगे। पिट्ठू बैग देंगे ये वाला, मतलब मान लीजिए 22,000 रुपए का है। अब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम बिगनर होते हैं, जिनको मतलब लैपटॉप चलाने नहीं आते, सोचते हैं कि लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं सस्ते सस्ता लैपटॉप मिल जाए। तो आपके यहाँ सबसे सस्ता लैपटॉप कितने मिल जाएगा? लैपटॉप सर कम से कम मेरे पास 14,000 रुपए का मिलेगा, कोर i5 का। 14,000 रुपए का मिलेगा, कोर i5 मिलेगा, कोर i3 मिलेगा, 14,000 रुपए का कोर i3 मिलेगा, 13-14,000 जो 22,000 लेना चाहे वो 13-14 में ले सकता है। तो उसमें वर्ड पे काम, एक्सेल पे काम, इंटरनेट सर्फिंग जो है, मूवी देखना, ये सब काम, ऑफिशियल वर्क, लाइट, हर एक चीज कर सकते हैं। उसमें 3 महीने वारंटी रहेगी वो लैपटॉप आपको दिखाने के लिए। वो भी लैपटॉप पड़ेगा, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ है आपके पास। देखिए भैया पूरा लैपटॉप भरा पड़ा हुआ, देख रहे हैं एकदम पूरा, ये लैपटॉप भरा पड़ा हुआ, ये टोटल इंपोर्टेड माल है कर रहे हैं ये। अच्छा ये लैपटॉप है, मिल जाएगा डेल का। अच्छा डेल कंपनी का। हाँ, डेल कंपनी का मिल जाएगा, i5 का 5th जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD, ये मिल जाएगा मात्र 14,500 रुपए का। 14,500 रुपए का कस्टमर को। हाँ। हमारे माध्यम से आएंगे कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। सर आएंगे तो डिस्काउंट करके देंगे, साथ बैग भी दे देंगे। ये कितना भारी है?
बहुत लाइट वेट है सर, एकदम स्लिम है। अच्छा, ये भी स्लिम है, ये भी इंपोर्टेड आइटम है? सब जितना भी मेरे यहाँ लैपटॉप मिलेगा सब इंपोर्ट मिलेगा, इंडियन में बेचता ही नहीं हो। अच्छा, तो सब बाहर से माल आता रहता है। इंडियन लैपटॉप में बहुत कंप्लेन है सर, कभी बैटरी का प्रॉब्लम, कभी कीबोर्ड का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए इंपोर्ट बेचते हैं। 1000-2000 इंडिया से महंगा आता है, लेकिन अच्छा लैपटॉप होता है, आप लेंगे तो 4-5 साल इसको यूज़ करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब बाहर से मतलब विदेशी लोग यूज़ करते हैं वो लैपटॉप है ये। भैया आप लोग भी आए हुए हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नेपाल बॉर्डर से आए। अच्छा, नेपाल बॉर्डर से आए हुए हैं। देखिए भैया, इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर जो पड़ता है तब नेपाल के बॉर्डर पास पड़ता रहता है। नेपाल के बॉर्डर किस जगह से आए हुए हैं? हम चटिया से। चटिया निचलोल? निचलोल के पास पड़े हुए एकदम है। कैसे मालूम पड़ा यहाँ लैपटॉप बिकता है? गूगल पे रिव्यू देखा है। अच्छा भैया, गूगल पे रिव्यू आता है इनका, और गूगल रिव्यू देख कर ये लैपटॉप लेने के लिए आए हुए हैं। लैपटॉप खरीद लिया आपने? जी। कौन सा लैपटॉप लिया आपने? डेल का। डेल कंपनी का लिया हुआ है जी। क्या करते हैं आप? हैं क्या? कोडिंग वोडिंग करने के लिए। कोडिंग करने के लैपटॉप लिए हुए हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें है? i5 है। अच्छा, प्रोसेसर इंटेल का है। ये लो भैया, निचलोल नेपाल के बॉर्डर से आए हैं लैपटॉप लेने, गूगल पर रिव्यू देख कर आए हुए हैं। चलिए, मतलब सर नेपाल तक पहुँच गए, आपकी पहुँच नेपाल तक एकदम है। कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? सर अब आप लोग का सहायता रहता है तो हर जगह से ही कस्टमर आ जाते हैं। जिनको लेना होता है लैपटॉप वो यहाँ पे आ गए तो लेकर के ही जाएंगे। आपका प्रचार प्रसार कैसे होता है? पूरे पूर्वांचल में कहीं से भी आ सकते हैं। अगर होम डिलीवरी बोलेंगे, होम डिलीवरी भी मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद से EMI पे लेना चाहते हैं, EMI पे भी ऑप्शन है मेरे पास लेने के लिए। बाकी हमारे वीडियो बता दो आपको मैं, हमारे वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं। मेरे 3,00,000 सब्सक्राइबर हमारे हैं। मान लीजिए कि हम लोग गोरखपुर में हैं, हमारे वीडियो को लखनऊ से देखता है, कानपुर से देखता है, कोई बिहार से देखता है, आपको फ़ोन करता है, अभी नंबर दे दूँगा आपको मैं, तो फ़ोन करता कहता सर हमको यह लैपटॉप चाहिए मान लीजिए और इतने रुपये का, तो क्या सिस्टम, उसका क्या सिस्टम है? आपको अपना पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपको एक अपना ID प्रूफ भेजना पड़ेगा। अच्छा ठीक, मैं आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ पे कुरियर करवा दूँगा। पैसा पहले लेते बाद में लेते हैं? आप बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। भैया ये कैसे हो सकता है? अवेलेबल है। अच्छा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है? अब मान लीजिए कोई लैपटॉप लेने बाद पैसा नहीं, फिर क्या करेंगे आप? नहीं तो सर वो सिर्फ में आपको रिसीव ही नहीं होगा ना, आप पेमेंट नहीं देंगे तो। अच्छा, मतलब वो जो कुरियर वाला जाएगा वो पेमेंट लेकर के ही आपको कुरियर देगा। अच्छा, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी भी है? हाँ, अच्छा भी। भाई साहब, अगर आपको लैपटॉप चाहिए, इनका नंबर मैं देता हूँ आपको, मैं इनको फ़ोन करेंगे, मॉडल पसंद कर लेंगे, भैया हमको ये मॉडल पसंद है इनको है, फ़ोन करने बाद में इनको जो है पूरा डिटेल इनको जो है भेज देंगे, अपना एक ID कार्ड भेजेंगे, और पैसा पहले ना चाहते पहले पैसे दे सकते हैं और ना डिटेल भेजेंगे। या आप घर पर लैपटॉप भेजेंगे जो लैपटॉप पसंद किए रहेंगे, उसके कैश ऑन डिलीवरी पैसा देंगे, उसके लैपटॉप मिल जाए। वारंटी उसको लाने यहाँ आना पड़ेगा? कैसे वारंटी मिलेगा सर? वारंटी के लिए अगर दिल्ली की साइड का कस्टमर है तो आपको दिल्ली में ही वारंटी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, और लखनऊ का कस्टमर है तो हो सकेगा तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वैसे वारंटी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा सारा लैपटॉप ओके टेस्टेड किया हुआ होता है। 3 दिन तक पूरी तरीके से लैपटॉप चलाया जाता है, हर एक चीज़ देखा जाता है, कीबोर्ड, बैटरी, स्क्रीन, मदरबोर्ड, हर एक चीज़ में। बैटरी की बात की है, मान लीजिए कितना बैकअप मिल जाता है? कम से कम सर 2 घंटे का तो हम गारंटी देते हैं, लेकिन बैटरी चलता है 4-5 घंटे। 2 घंटे से कम बैकअप मिलेगा तो बैटरी चेंज। अच्छा, बैटरी चेंज कर देते हैं 3 महीने के अंदर? नहीं, 1 महीने के अंदर। अच्छा, एक बाकी सर्विस वारंटी जो होता है वो 3 महीने का होता है। आप दे रहा हूँ गोल घर काली मंदिर गोरखपुर। अच्छा, बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर है, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह जनपद है ये, और यहाँ पे एक बहुत जगह फेमस पड़ता है शाही मार्केट। शाही मार्केट बोलूँ ना? साई मार्केट नहीं। अच्छा, तो बताइए एड्रेस। गोलघर काली मंदिर। अपना नंबर दीजिए सर, सबसे अच्छा जान लीजिए ना कि नंबर पे लोग। इनका नाम अतुल वर्मा नाम है, और अपना मोबाइल नंबर दीजिए आप। मोबाइल नंबर है 7317271727 8158 58। इनको फ़ोन करेंगे आप, हैं इनसे कहेंगे मुझे लैपटॉप ख़रीदना है, मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप चाहिए, ये आपको फ़ोटो भेज देंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पे, और उसके बाद आपको पसंद करवाएंगे। आप पसंद कर सकते हैं, पसंद करने बाद में जो क्वेरी है इनसे पूछेंगे, पसंद आपको इनके खाते में पैसा भेजेंगे, भेजने के बाद में जो है आप लैपटॉप डिलीवरी करवा सकते हैं, अच्छा मिलेगा। कुछ लोग मुझे नेपाल बॉर्डर से मिल चुके थे, सारी चीज़ें हैं ये। तो देखिए इनके पास, देखिए ये डेल का लैपटॉप रखा हुआ, ये डेल का लैपटॉप, ये लैपटॉप HP का लैपटॉप है। सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा पड़ा है उस समय? सबसे महंगा मेरे पास लैपटॉप मिल जाएगा ये, सबसे महंगा ये डेल का i5 का 11th generation है। हाँ, 11th generation, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है, ये मात्र 32,500 रुपये का सबसे महंगा लैपटॉप इस समय वर्तमान में। 11th generation मतलब इस समय सबसे महंगा ये है। सबसे सस्ता मतलब 14,000 रुपये का। हाँ, और सबसे महंगा इसमें 32,000 रुपये का। आपका भी आपको लैपटॉप मिल जाएगा इसके साथ साथ, आपको देखिए ये 360 में मिल जाएगा लैपटॉप।
अच्छा 360 है पूरा फुल टच स्क्रीन, ये सब रिफर्बिश एकदम है, सब फुल रिफर्बिश, मतलब कम चला हुआ है इसका, मतलब कम चला हुआ है, ये सब लैपटॉप बिल्कुल कम चला हुआ होता है। हाँ। और ये सब कंपनी का चलाया हुआ होता है। अच्छा, बाय हैंड तो कोई नौसुखिया आदमी, नया आदमी है, उसको लैपटॉप खरीदने का सोच रहा है, उसको नया लेना चाहिए कि रिफर्बिश लेना चाहिए आपके हिसाब से? सर बिल्कुल रिफर्बिश लेना चाहिए। क्यों रिफर्बिश लेना चाहिए? रिफर्बिश इसलिए लेना चाहिए, अगर आप एक नया लैपटॉप 40,000 रुपए का i3 खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको i3 में वही काम करेंगे जो आप एक 15,000 रुपए के लैपटॉप में काम करेंगे, और वो सारा चीज मेरे लैपटॉप में चलेगा रिफर्बिश वाले लैपटॉप में। आप i3 खरीदेंगे 40,000 रुपए का, यहाँ पे आपको i5 15,000 के लैपटॉप में सारा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत सारा डिटेल जानना अगर होगा तो युवा है ये, कितना एज आपका है? 25 साल के हैं, इनसे वो जानकारी इनको इनको फोन कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको दे देंगे। दोस्तों वीडियो बनाकर दिखा दिया आपको हमने है पूरा लैपटॉप खरीदने के बारे में, वीडियो पसंद आपको है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, और जिनसे बात करिएगा ना तो जरूर कह दिएगा जोगेंद्र ज्ञान जी का यूट्यूब चैनल देखकर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको नमस्ते, आपको बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।